वक्त गुजरने के साथ साथ क्यारी में बर्फानी मलबे तले दबे 139 जवानों के जिंदा बच जाने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ पाक फौज के जवान हर सुबह एक नए अज़्म के साथ पहाड़ी मलबे का सीना चीर कर अपने साथियों को निकालने के लिए कमर कस लेते हैं कि शायद कोई मौजज़ा इनका मुंतजर हो। इंशाल्लाह इस पहाड़ का सीना चीर के हम कोशिश करेंगे कि हम अपने साथियों तक इंशाल्लाह जल्द अज जल्द पहुँचे। फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल इकरामुल हक शुरू से रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये अताबाद सानिहा से बड़ा हादसा है। इसका कोई कंपेरिजन आप करना चाहते हैं तो किसी हद तक अताबाद की जो लैंडस्लाइड थी उससे किया जा सकता है। दोनों देखने के बाद, दोनों के एक्सपर्ट्स को मिलने के बाद मेरा ख्याल है अताबाद से कहीं बड़ी ट्रेजेडी और स्लाइड है। दुनिया के मुश्किल और बुलंद तरीन महाज पर पाक फौज के बहादुर जवानों की इन्हीं लाजवाल कुर्बानियों की वजह से ही वतन का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। हम खड़े सरहद ईमा पे है K2 की तरह दस्ते कुफार से सियाचन को बचाने के लिए। सानिहा ग्यारी बिलाशुबा एक बड़ा कौमी हादसा है, मगर पाक फौज के अज़्म हिम्मत और जज्बे शहादत के सामने ऐसे सानिहात कोई मानी नहीं रखते। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, दुनिया न्यूज़, ग्यारी सेक्टर।